ये भारत के गैर कानूनी जेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर के गांव लिम्बर के मनाजिर हैं, जहां के तलबा को आज के जदीद दौर में भी इंटरनेट जैसी बुनियादी सहूलत के इस्तेमाल के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बारिश और खराब मौसम में भी इन्हें खुले आसमान तले बैठकर ऑनलाइन तालीम हासिल करना पड़ती है। हर रोज जाते हैं, ऐसे ही अगर बारिश हो या कुछ भी हो वहाँ छतरी लेके बैठते हैं, ऐसे ही मैनेज करते हैं। एक नोटबुक साथ लेते हैं हम, वहाँ फोन सामने रख कर पढ़ते हैं। फिर सिर्फ तलबा ही नहीं बल्कि तालिबात को भी हर तरह के मौसमी हालात में पैदल चलकर इल्म के हुसूल के लिए जाना पड़ता है। मैं 8th क्लास में गवर्नमेंट हाई स्कूल लिम्बर में पढ़ती हूँ। जब हम सुबह जब उठते हैं तो हम अपनी बुक्स वगैरह, नोटबुक्स, अपने किसी पेरेंट का फ़ोन और पेंसिल पेन वगैरह और अपने सब फ्रेंड्स को जमा करके हम एक साथ पे वहाँ एक हिल टॉप पे 3 to 4 kilometers हमें पैदल चल के जाना पड़ता है वहाँ पे, तब जाके हम वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाते हैं। चाहे हमारे यहाँ कभी बारिश होती है, कभी तेज़ हवाएं होती है, कभी बहुत ज़्यादा धूप भी होती है, बारिश में भी हमें जाना पड़ता है, तेज़ धूप में भी हमें जाना पड़ता है, बहुत सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने ऑनलाइन क्लास में नहीं लगा पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर लगा रहता है कि कहीं से कोई वाइल्ड एनिमल आ गया या सांप वगैरह का भी वहाँ से डर रहता है। जो वो जगह है वहाँ पे बहुत बार ब्लैक बियर पाए गए हैं, लेपर्ड्स पाए गए हैं, वाइल्ड वुल्फ पाए गए हैं, स्नेक्स भी होते हैं। काबिज़ भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 के गैरकानूनी इकदाम के बाद से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कश्मीरी आवाम को हक के खुदरादियत के मुतालबे की सज़ा देने के लिए जहां एक तरफ रियासत की मईशत, सियाहत, तिजारत और ज़िंदगी के हर शोबे को ताराज कर दिया है, वहीं कश्मीरी तलबा व तालिबात को जेवर तालीम से महरूम रखने के लिए तालीमी इदारों को मुसलसल बंद रखा गया है। आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने के लिए जम्मू और कश्मीर में ऑनलाइन क्लासेस का ड्रामा रचाया गया, मगर साथ ही इंटरनेट पर कदगने आयद कर दी गईं। अब कुछ इलाकों में इंटरनेट बहाल किया गया है, लेकिन रियासत के अक्सर इलाकों में आज भी इंटरनेट की सहूलियात दस्तयाब न होने के बायस तलबा और तालिबात शदीद परेशानी का शिकार हैं। हर रोज हमें उतरना पड़ता है यहाँ पर 3 kilometers अवे हमें जाना पड़ता है, वहाँ पर भी उतना अच्छा नेटवर्क नहीं है, लेकिन अब किस्मत हमारी ऐसी है कि हमें जाना पड़ता है। परसों मैं गई, मैंने 25% वही चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रखा, 4-5 दिन के बाद हो जाएगा, उसके बाद वो पढ़ूंगी। 3 years से हमने टोटली टीचर का फेस देखा ही नहीं है, ओनली एग्जाम टाइम हम स्कूल गए हैं, बट उस टाइम ये नहीं बोलते कि ये जिस एरिया से बिलोंग करता है वहाँ नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है। हमारी जो साथ में जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन हम जो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ लिम्बर के, हमारे अभी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। इलाके के लोगों का कहना है कि वो मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए उन्होंने मजबूरन महंगे मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं, ताहम इंटरनेट दस्तयाब ना होने के बायस उनके बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह मुतासर हो रही है। खैर, अगर मजदूरों ने जफाकशी करके अपने बच्चों को वो फैसिलिटी रखी, लेकिन कम्युनिकेशन का सिस्टम न होने के सबब वो बेकार पड़े हुए हैं। हमारे बच्चों को लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे जाकर उस जगह जाना पड़ता है जहाँ पर इनको नेटवर्क की फैसिलिटी मैसर होती है। यहाँ पर गरीब आवाम है जिनके पास फैसिलिटीज का फुकदान है, जो मुश्किल से दो वक्त की रोजी रोटी मैसर करते हैं, उनके पास उस किस्म के मोबाइल भी नहीं है। आज जब दुनिया भर में तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग की बातें की जा रही हैं, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ये तलबा और तालिबात काबिज़ भारत सरकार के हाथों अपना मुस्तकबिल बर्बाद होता देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आलमी बरादरी इन्हें भारतीय हथकंडों से बचाने के लिए आगे आएगी।